Good afternoon, student. Today we will continue our chapter 1st, matter in our surrounding. Last time हमने conversion किया था states of matter का, कि हम states को change करते हैं. अभी देख लेते हैं, हमने पढ़ा था अगर हम solid को liquid में, अगर हम solid को heat कर रहे हैं, ठीक है, और liquid में change हो जाएगा solid, फिर उस process को बोलेंगे हम melting. Okay? अभी एक बार आप देख लीजिए definition melting. The process of changing solid into liquid on heating, कि आप heat करके solid को liquid में change कर रहे हैं, उस process को बोलेंगे हम melting. Reverse देखते हैं हम. रिवर्स प्रोसेस है हमारा फ्रीजिंग. आप फ्रीज करते हैं, क्या करते हैं, आप वाटर को रखते हैं, ठीक है, लिक्विड स्टेट वाले वाटर को रखते हैं फ्रीज में, फिर वो क्या हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, जो सॉलिड फॉर्म होती है उसकी. ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग और चेंजिंग, कन्वर्जिंग आप कुछ भी लिख सकते हैं, चेंजिंग लिक्विड इंटू सॉलिड, क्लियर, द लिक्विड into solid on cooling. अब ये किस चीज़ पे है, cooling करने पे, clear? तो आपने solid को liquid में change किया, heat किया, उस process को हम melting बोलते हैं और fusion. आप melting भी बोल सकते हैं और fusion भी बोल सकते हैं, clear? उसी तरह से freezing है, किसका change होना, liquid का solid में change होना cool होते वक्त, तो उसको हम क्या बोलते हैं, freezing और solidification. आप सॉलिडिफिकेशन बोल सकते हैं और फ्रीजिंग बोल सकते हैं, क्लियर? अब हम देखते हैं लिक्विड और गैस के बीच में, लिक्विड और गैस का क्या है. अगर आप लिक्विड को हीट कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो, बॉइलिंग, बॉइलिंग बोल सकते हो आप, इवेपोरेशन, क्लियर. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग liquid into vapors or gas on heating. आप heat करेंगे तो वो किस में चल जाएगा, vapors में, उस process को बोलते हैं boiling और evaporation. Next देखते हैं condensation process. Condensation क्या है, reverse करना इसका. The process of changing the process of changing vapor into liquid. आपको vapors liquid में change करनी है, वो कैसे होंगी, on cooling. उस process को क्या बोलते हैं, condensation. Clear? Okay? तो melting और freezing एक दूसरे के opposite है और boiling and condensation एक दूसरे के opposite है. अब हम देखते हैं sublimation. Sublimation क्या होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है आपका. अभी आपने देखा कि आप सॉलिड से लिक्विड में गए, फिर लिक्विड से गैस में. इस केस में क्या होता है, आपका सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस में, उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू गैस डायरेक्टली, मतलब बिना लिक्विड में जाए, बिना लिक्विड स्टेट के ही वो डायरेक्टली गैस में चल जाए, एंड वाइस वर्सा, और इसके अपोजिट भी. वाइस वर्सा का मतलब है, जैसे आपने देखा सॉलिड टू गैस जाना भी सब्लिमेशन है, और गैस टू सॉलिड आना भी क्या है, सब्लिमेशन. क्लियर? बाकी आप वाटर के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि वाटर को आपने मेल्ट किया, आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई आपकी, यहाँ से वाटर आपका आइस बन गया, ठीक है. इस केस में आपके एग्जांपल हैं, ये आपके लिए डिफरेंट है. कैम्फर, जो कपूर हम यूज़ करते हैं, जो पूजा करते वक्त आपने देखा होगा कैम्फर को हम बर्न करते हैं, तो उसके कोई लिक्विड स्टेट नहीं होती,
ना बाद में कुछ बचता है, वो डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। आपको एशेज वगैरह भी नहीं मिलते कैम्फर के, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, और नेफ्थलीन बोल्स। क्लियर? तो ये था आपका स्टेट्स में इंटर कन्वर्जन आपका। क्लियर? ये डेफिनेशन थी, आप इनको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अभी जो हमने किया वो बेसिक था, वो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके थे। अब हम नई चीज स्टडी करेंगे, लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट क्या होती है, एक बार इसको देख लेते हैं। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छिपी हुई। ठीक है, अब इसको स्टडी करते हैं, लेटेंट हीट क्या होती है। जैसे आपने कोई भी चीज़ ली, आप वाटर को ही मान लीजिए, आप वाटर को बॉयल कर रहे हैं, ठीक है, आपने हीट सप्लाई की है, कुछ टाइम तक क्या होगा, वाटर के अंदर ना ही उसका टेम्परेचर चेंज होगा और ना ही वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जो हीट आपने सप्लाई की है चेंज करने के लिए, ठीक है, पर कुछ टाइम पीरियड तक उस हीट का पता ही नहीं चलता। आप टच करके देखेंगे, टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं हो रहा होता और आपकी आप हीट कर रहे होते हैं उस चीज़ को। ठीक है, उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। अब वो हीट गई कहाँ पे? ठीक है, लेटेंट हीट कौन सी होती है, जो आपने सप्लाई की है, आप क्या कर रहे हैं, आप सिंपल उसको हीट कर रहे हैं, पर थोड़े टाइम तक आप देखेंगे उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, ना ही वो बॉयल होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। क्लियर? अब लेटेंट हीट का यूज़ कहाँ पे हुआ, मतलब कहाँ गई वो लेटेंट हीट? वो क्या होता है, जैसे आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमने स्टडी किया है लिक्विड के पार्टिकल्स गैस के पार्टिकल्स के कंपेरिजन में क्लोजली पैक्ड होते हैं। उस केस में क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच में, उसको ब्रेक डाउन करने में वो हीट हमारी यूज होती रहती है। क्लियर? ओके, तो लेटेंट हीट क्या है, द हीट दैट इज सप्लाइड टू चेंज स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस। जो आप सब्सटेंस की स्टेट्स चेंज करने के लिए देते हैं उस हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। ये हीट क्या ओवरकम करती है, इट ओवरकम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। क्लियर? ये उसके साथ डील करती है। अब हम स्टडी करेंगे, हमारे पास टू टाइप्स की लेटेंट हीट हैं। क्लियर? फर्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी मैंने आपको बताया था मेल्टिंग प्रोसेस, क्या था मेल्टिंग प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड, उसी को हम फ्यूजन बोलते हैं। आपको लर्न हो तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, और सेकंड होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपर्स मतलब लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। तो ये क्या है, इसके डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है। अभी देखते हैं क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ, फ्यूजन में किसको कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड को लिक्विड में, तो 1 kg ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड। क्लियर? 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सेम ऐसे ही आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड, वेपराइजेशन कर रहे हैं ना, तो 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस।
to gas or vapors. क्लियर. ये छोटे छोटे प्रोसेसेस और डेफिनेशन हैं जो आपको लर्न करने हैं. तो फर्स्ट हमने किया था मेल्टिंग, फ्रीजिंग, आपका कंडेंसेशन, बॉइलिंग, सब्लिमेशन, और फर्दर हमने स्टडी किया लेटेंट हीट. ओके, आप ये भी लिख सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इट्स टेम्परेचर. ये भी राइट डाउन कर सकते हैं आपका फर्दर अगर करना है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में बिना चेंज किए अगर आपको. ठीक है. ओके ओके, ये जो छोटी छोटी डेफिनेशन है ये इम्पोर्टेंट है, आप पहले भी कर चुके हैं, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं. मेल्टिंग क्या था आपका? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड इनटू लिक्विड. हीट करने पर सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना क्या होता है? मेल्टिंग. लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना, जब आप कूल करेंगे तो लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा, उसको बोलेंगे फ्रीजिंग. ओके, अब लिक्विड और गैस के देखते हैं, दो मेथड आपने किए हैं. लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट करना है तो हीट करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? बॉइलिंग, वेपराइजेशन और इवेपोरेशन. क्लियर. अब रिवर्स कर रहे हैं, अगर गैस को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं देन कंडेंसेशन. फर्दर हमने स्टडी किया था सब्लिमेशन. सब्लिमेशन क्या होता है? डायरेक्ट सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना या फिर गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना, वो क्या था? सब्लिमेशन. क्लियर. फिर हमने स्टडी किया लेटेंट हीट. लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट. आप सप्लाई करते हैं हीट, बट क्या होता है, आपके सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, तो वो हीट क्या करती है? वो हीट डील करती है उस टाइम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हमारे पार्टिकल्स के बीच में उनके साथ, उनको ब्रेक डाउन करने में. ब्रेक डाउन होंगे, मोशन होगा, तभी तो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू वो मूव करेंगे. ठीक है, तभी स्टेट्स चेंज होगी आपकी. तो लेटेंट हीट हमारी 2 है, फ्यूजन एंड वेपराइजेशन. आपको ज़रूर मेंशन करना है कि लेटेंट हीट क्या होती है. 1 kg को चेंज करना. फ्यूजन है तो 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, अगर वेपराइजेशन है तो 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस. क्लियर. इट्स इनफ फॉर टुडे. थैंक यू.